हरि हत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने लागते भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन इते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ संपन्न हो रहा है। आज अंतिम दिवस दिख रहा है। जीवनधर स्वामी अनादि काल से जिन संसार दुखों को भोग रहे थे वे संसार दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं। मुक्ति की प्राप्ति उन्हें हो गई। अर्हंत अवस्था ही नहीं अक्षय अनंत काल के लिए अब वे सिद्ध अवस्था में जाकर विराजमान हो गए। सिद्ध अवस्था कैसी होती है, सिद्धों का आनंद कैसा होता है, इसका थोड़ा सा नमूना आइडिया हमने आपको पिछले प्रवचन में नागपुर जाने के पहले दिया था। वही सब आपने नहीं सुना है। आपने वही दीपेश जी चक्रवर्ती का सुख याद आ गया ना। तो चक्रवर्ती का कैसा सुख होता है, फिर नारायणों का कैसा होता है, प्रतिनारायण कैसा होता है, इंद्रों का कैसा होता है, वो भूमि के जीवों का चक्रवर्ती से अनंत गुना भोगों को भोगते हैं वे। और फिर इन सब का वर्तमान का, इन सब का भूतकाल का, इन सब का भविष्य काल का, ये सारे सुखों को सबको मिला लो आप, इकट्ठा कर लो। इसमें शॉर्ट में सब निपटा दिया मैंने अभी। इन सारे सुखों को आप इकट्ठा कर लो एक साथ, और इकट्ठा करने के बाद जितना बने मास्टर साहब उस सुख से अनंत गुना विलक्षण जाति का सुख प्रत्येक समय हर समय सिद्ध भगवान भोगते हैं। तो विलक्षण विलक्षण जरूरी है शब्द। विलक्षण नहीं लगे तो फिर वही समझेगी। विलक्षण नहीं लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे साथी कॉलेज में जब जैसे पहले बहुत जाते थे यहाँ संस्कृत कॉलेज में, अरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो चर्चा करते थे पुण्य पाप के संदर्भ में कि आप पुण्य पाप को समान कहते हो, लिखा होगा शास्त्र में, लेकिन पुण्य को पाप से तो भला को ऐसा ऐसा बहुत कई बार ऐसी जिरह और बहस हो जाती थी आपस में। थे सब बराबर के साथी थे सब, बोले पाप से तो भला कहो इसको, पाप से भला, पुण्य और पाप धर्म नहीं है लेकिन पाप से तो भला है। तो वो कह रहे कम से कम 100 गुना अच्छा है पाप से तो पुण्य। तो मैं कहता था 100 गुना नहीं, हम पाप से पुण्य को 1,00,000 गुना अच्छा कहें, अरे हम अनंत गुना अच्छा कहें। बोलो आप तो ठीक है, बोले है ही इतना अच्छा। तो फिर हम ये बात साथ में कह देते थे कि चलो अब ये बतला दो पाप कितना अच्छा है। अच्छा है नहीं तो सर बुरा कैसे हो? क्या क्या था पाप कितना अच्छा है? बोले पाप तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जीरो। तो बोले अनंत गुना अच्छा है पुण्य, जीरो से अनंत गुना अच्छा कर लो, अनंत जीरो हो गए, जीरो ही होगा और क्या है। कुछ नहीं रहा यार, आप तो कैसे भूल जाते हो। उलझाने की बात नहीं है, सच्चाई यही है। अभी हमने कहा कि संसार दशा में जितना भी सुख है सिद्धों का सुख इससे अनंत गुना है। तो संसार में सुख है ही नहीं तो सिद्धों का भी जीरो हो जाएगा, जीरो। अरे ये बात इसलिए क्या लगाना पड़ेगा कि संसार में जिस जाति का सुख है वो सुख है इंद्रिय जन्य, जैसे सुख कहा जाता है।
और सिद्धों का जो सुख है वो इंद्रिय जन्य नहीं है, वो अतिंद्रिय है, इसलिए जाति अलग है। हम पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगते हैं, वो इंद्रिय जन्य जाति है, और सिद्ध भगवान जिस सुख का अनुभव करते हैं वो अतिंद्रिय जाति है। समझ में आ रही है बात? इसलिए इतना सारा आपको आइडिया देने के बाद भी, अनंत गुना कह करके भी हमने कह दिया जाति अलग है, विलक्षण जाति का सुख सिद्ध भगवान भोगते हैं, और ऐसे सुख को जीवनधर स्वामी ने भोगना शुरू कर दिया है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं। इस तरह यह जीवनधर चरित्र संपन्न हुआ। अब अंतिम संदेश पेज नंबर 561 पर ग्रंथकार की पाठकों को पवित्र प्रेरणा। ग्रंथकार पाठकों को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? देखिए बहुत ही सुंदर छंद है। शर्म स्वकर्म क्षय प्राप्तुं प्राप्तम तुच्छ मेच्यति तराम यो वामये चोजन सोयं दुर्मत कुंजर प्रहरणे पंचाननं पावनं जैनं धर्ममुपाश्रयेत मतिवान निःश्रेयसः प्राप्तये। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। जो उत्तम सहृदय पुरुष इस प्रकार पवित्र धर्म से रचित आत्मा के अष्ट कर्मों के नाश होने से प्राप्त महान इस सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वही बुद्धिमान पुरुष मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिथ्या मत रूपी हस्तियों के नाश करने के लिए सिंह के समान पवित्र जिन धर्म का धारण करता है, धारण करे, जिन धर्म को धारण करे। कितनी बात कह दी, बोले सुनो जिस अनंत सुख की चर्चा पीछे की, जिस अक्षय अनंत सुख के बारे में अभी तक बतलाया गया, जिस सुख का वर्णन अभी यहाँ आपके सामने किया गया, यदि कोई व्यक्ति उस सुख को प्राप्त करने की भावना भाता हो, इन अष्ट प्रकार के कर्मों को नष्ट करने की इच्छा रखता हो यदि कोई व्यक्ति, तो फिर वो व्यक्ति क्या करे बोलो? यदि आपको इस तरह की इच्छा हो तो कह रहे हैं वही बुद्धिमान पुरुष है, और वो बुद्धिमान पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करता है, और मिथ्या मत रूपी हाथियों के लिए, पता है क्यों कह रहे हैं अंतिम उपदेश में, ये क्या बात कह दी है, इनका नाम है वादीव सिंह। आचार्य का नाम क्या है? वादी इव, इव माने होता है हाथी, बताया था मैंने 1.5 साल पहले जब ग्रंथ शुरू किया था तब। वादी इव, वादी मतलब होता है या अन्य मतावलंबी, जितने भी मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार करने वाले, वादी प्रतिवादी होते हैं, पार्टी, ये पार्टी की बात कर रहे हैं, मिथ्या मतों का प्रचार करने वाले वादी रूपी इब, इब माने हाथी, हाथियों के लिए जो सिंह के समान है, वादी इब, वादीव सिंह सूरी, सूरी माने आचार्य, ऐसे आचार्य, ये तो नाम है आचार्य देव का, और यहां जगत के जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई सुन, तू जो बुद्धिमान है तो तेरी बुद्धिमत्ता इसमें है कि तू मिथ्या मत, मिथ्या संप्रदाय, खोटी विचारधारा, खोटा चिंतन, जगत में फंसाने उलझाने वाली चर्चाएं, इन सब रूपी हाथियों को नाश करने के लिए सिंह के समान पवित्र जिन धर्म को धारण करो। ये जिन धर्म पवित्र है इसे धारण करो, जिन धर्म को धारण करो, पवित्र जैन धर्म को धारण करो। ये अंतिम संदेश है आपके लिए, हमारे लिए, पाठकों के लिए। देखिए सरल अर्थ, जो भव्य आत्माएं अष्ट कर्म रहित अनंत अनुपम और लोकोत्तर मोक्ष सुख की इच्छा रखते हैं, बोलो भव्य आत्माएं, कौन कौन है भव्य आत्मा? तो लिया जी सब, हम सब भगवान की बताई हुई
भव्य जो कभी ना कभी भगवान बनेंगे, जो भगवान बनने वाले हैं अल्पकाल में, वे भव्य कहलाते हैं। भू धातु जो है होने के अर्थ में प्रयोग किए, होने योग्य भव्य, होने योग्य मुक्त, होने योग्य आत्माएं। अष्ट कर्म से रहित होने की इच्छा है क्या आपको? यदि नहीं हो इच्छा तो टोडरमल जी दिखाएंगे क्या, वे कहेंगे एक एक कर्म के अभाव में, अभी चल भी रही थी आपके कुछ चर्चा यहाँ, एक एक कर्म के अभाव में किस तरह का आनंद प्रकट होता है, ये एक एक कर्म किस तरह से पीड़ित करने वाला दिखाई देता है। कष्टप्रद परिस्थितियां जितनी जगत में बनती है वो सब कर्म से बनती है, क्योंकि यदि कर्म नहीं तो फिर दुख किस बात का। जब वेदनीय कर्म नहीं बचा तो बताओ सुख दुख के हेतु भूत, ये भूख लगना, सर्दी गर्मी, ये सारी बातें कैसे होगी। जब ज्ञानावरणी कर्म नहीं बचा तो फिर जगत के पदार्थों को जानने की इच्छा रूप जो दुख है वो दुख स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा है जगत का स्वरूप। तो ये कह रहे हैं यहां अष्ट कर्म रहित अवस्था की इच्छा है, अनंत अनुपम लोकोत्तर, जिसका अंत नहीं है, जिसको उपमा नहीं दी जा सकती है किसी भी प्रकार की, लोकोत्तर है, लौकिक नहीं। तो इसको तो इंद्रों के सुख मजे आते हैं, इंद्र जैसा सुख, अरे इंद्र जैसा सुख, अरे जिन्हें अतिंद्रिय आनंद का अनुभव होता है ऐसे वितरागी संतों के यहां आकर के सौदा में इंद्र जैसे भी पानी भरते क्या, हाजिरी देते हैं वहां, मुकुट माथे में मुकुट चरणों में ले जाकर के धरते हैं। भक्तावर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, ये ऐसे चरणों में ले जा करके उन मुनिराजों के अपना मुकुट धर देते हैं, उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाते हैं। ये महिमा किसकी है, ये अनंत सुख प्रकट करने के मार्ग में लगे हुए जीवों की है। ऐसा अनुपम और लोकोत्तम मोक्ष सुख, आप उसकी इच्छा रखते हैं क्या, आपको है क्या उसकी इच्छा? जो भी आए हैं, तो जो आत्माएं ऐसी इच्छा रखते हैं उनका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है बोलो। एक कर्तव्य बतलाया था सातवें लंब के 18वें श्लोक में, इसमें सातवें लंब का जो 18वां श्लोक था उसमें बतलाया था कि हे जीव तेरा कर्तव्य क्या है, कि पहले में पहले आत्मा को जान, ये तेरा कर्तव्य है। इस तुम्हारा कर्तव्य तो एकमात्र आत्मा को जानना ही है, बोलो क्या कहा था कर्तव्य, क्या कहा? निज आत्मा, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तेरा कर्तव्य है। सातवें लंब का 18वां श्लोक तक, पेज 322 पर। अभी तो अब ये ग्रंथ अपन संपन्न करके अभी उठा के रख देंगे ना इसको अलमारी में क्या मैंने कहा वापस एक बार दिखा दूं आपको। ये अभी इन्होंने कर्तव्य की बात कही तो मुझे वो कर्तव्य याद आ गया जिसमें कर्तव्य उन्होंने बतलाया। क्या कर्तव्य है साहब आपका, बोलो आपका क्या कर्तव्य है? भाई अभी तो देखो बच्ची की सगाई कर दी है तो अभी तो सारा अभी अपना ही कर्तव्य है सब। मास्टर साहब क्या कर्तव्य है बोलो, सही कह रहा हूँ? क्या क्या कर्तव्य दिखाई देते हैं हमारे को, दुकानदारी व्यापार घर गृहस्थी के काम नौकरी, ये कर्तव्य है हमारा, इनसे पैसा लिया है तो चुकाना हमारा कर्तव्य है, इनसे लिया है तो इनको देना हमारा कर्तव्य है, अभी तो पूजन करना हमारा कर्तव्य है, विधान प्रवचन सुनना हमारा कर्तव्य है। अरे भाई हम टोडरमल जी के मंदिर में यहाँ बैठे हुए हैं और 300 वर्ष टोडरमल जी को हो गए हैं तो उनका जन्म उत्सव मनाना ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये 300 वर्ष उनका है टोडरमल जी का तो ये मनाना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? बच्चों को संभालना हमारा कर्तव्य है, परिवार को संभालना हमारा कर्तव्य है, कितने कितने हमारे कर्तव्य दिखाई देते हैं। अरे भाई इनका बहुत उपकार है हमारे ऊपर, ये हमारा कर्तव्य है। अरे भाई सुन तो सही तू पहले ये स्वीकार कर तू है कौन क्या? ये कह रहे हैं अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये तेरा कर्तव्य है, और यदि तू अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है तो फिर ये आचार्य देव कह रहे हैं तू यदि मोक्ष सुख प्राप्त करने की भावना बाता है तो तेरा कर्तव्य क्या है। ये कर्तव्य तुझे याद दिला रहे हैं, अधिकार तो बड़े दिखाता है, मेरा अधिकार है साहब, दादागिरी दिखाता है अधिकार के नाम पर रोज के, इसमें तो हमारा अधिकार है, करेगा कैसे नहीं, अधिकार है अपना ऐसा सब। तुझे अधिकारी अधिकारी याद रहते हैं,
आचार्य देव तुझे तेरा कर्तव्य याद दिला रहे। देखो, अधिकार दूसरों के याद रखना और कर्तव्य अपना, ये होता है अच्छे लोगों का जीवन सदाचार में। और जिनका जीवन उत्कृष्ट होता है वे जीवन में दो बातें ध्यान रखते हैं, अपने अधिकार नहीं जताते, भाई ये इनका अधिकार है, ये इनका अधिकार है, ये इनका अधिकार है। दूसरों के अधिकार देखते हैं, नहीं ये मेरा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य और दूसरों के अधिकार देखने वाले महापुरुष हुआ करते हैं, महान व्यक्ति हुआ करते हैं। और जो हीन प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जैसे कि जगत में सब दिखाई देते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, ये तो मेरा अधिकार है, इसका कर्तव्य है, ये बच्चा ही, इसका कर्तव्य है हमारी हमारी बात मानना। अरे वाह, मामला उल्टा है बिल्कुल। हम बच्चों को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं क्या, हम माता पिता को उनका कर्तव्य है इनका, कि सुन भाई उनका कर्तव्य नहीं, उनका अधिकार क्या है वो याद रख और अपने कर्तव्य को याद रख। अपने कर्तव्य को तो भूल जाए, अपने कर्तव्य को भूल जाए और दूसरों के कर्तव्य कर्तव्य दिखाए, इनका कर्तव्य है, इनका कर्तव्य है, और अपना अधिकार जताए, हमारा अधिकार है, सब उल्टा चल रहा है मामला। तो आचार्य देव अंतिम चरणों में भी समझ लो नीति बतला रहे हैं ये, अपने कर्तव्य को याद रखो। क्या कर्तव्य है, तो कहा वे दुर्मत रूपी हस्तियों के नाश करने में, 561 पेज पे, दुर्मत रूपी हस्तियों के नाश करने में समर्थ सिंह के समान कौन है, शेर के समान, बोले परम सत्य परम पवित्र अनादि अनंत जैन धर्म, जिन धर्म को धारण करे। निजाम मजाक का काम नहीं है, आपने तो कह दिया, हमारा कर्तव्य बता दिया आपने, मिथ्या मत का खंडन करो, खोटी बातों का प्रचार मत होने दो, वज्र प्रहार पर करो। ये टोडरमल जी ने किया ये काम, यहाँ इसी इसी मंदिर में बैठकर खोटी प्रवृत्तियां जितनी भी जगत में चल रही थी उनके ऊपर वज्र प्रहार किया उन्होंने, मिथ्या मान्यताएं जितनी भी पनप रही थी उनके ऊपर कुठाराघात किया उन्होंने, उनको विध्वंस करने का प्रयास किया टोडरमल जी साहब ने। तो ये कह रहे हैं कि तुम भी ये काम करो, उनके अनुयायी हो ना, उनके शिष्य हो ना, तुम उन्हीं की परंपरा के हो ना, तुम्हारे सबके पूर्वज टोडरमल जी को सुनने आते थे ना यहाँ पे क्या हम उसी परंपरा के हैं ना भैया, आते थे, मालूम है आपको, शहर में ही है ना आपके मकान सदियों से, कहीं बाहर के तो नहीं हो आप, यदि आप यहीं, आप तो बाहर के हो हम तो यहीं के हैं जब से जयपुर वसा तब से, और टोडरमल जी से रिलेशन है रहा है हमारा पूर्व में कुछ ना कुछ, और मैं दादाजी के दादाजी के दादाजी जो थे ना वो यहाँ आते थे, यहीं बैठते थे, यहाँ बैठते हो ना भी नाम लिखा हुआ क्या, ओम जी के भाई बनते थे वो, हाँ वही तो उनके उनके भाई बनते, हमारे सोगनियों का भी नाम लिखा हुआ है, हाँ लिखा है बिल्कुल सब हमारे पूर्व बिल्कुल लिखा है, उनका भी लिखा हुआ है सब, बहुत सारे दो चार गोदा जी भी है, देवीदास जी गोदा का तो नाम बहुत प्रसिद्ध है, टोडरमल जी के समय में घुमक्कड़ विद्वान थे बहुत, चलो खैर जो भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम जो कमजोर समझ रहे हो अपने आप को, तुम कमजोर नहीं हो, और यदि तुम्हें कमजोरी महसूस होती हो तो सुनो, तुम्हें ये जिन धर्म की ध्वजा तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, जिन धर्म का आश्रय यदि तुम्हारे चित्त में रहेगा तो मिथ्या मत और खोटी बातों का प्रचार प्रसार होने से तुम रोक पाओगे, ये सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि ये जिन धर्म ये सिंह के समान है, तुम इसे धारण करो। जिन धर्म तुझको मेरा नमन, याद आ गई क्या लाइन है क्या मास्टर साहब, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, टोडरमल जी तज दिए प्राण, प्राण जाए पर सिद्धांतों से समझौता नहीं, वो नहीं कर सकते हम। जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, फिर हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, क्या मास्टर साहब, हम रहे चाहे ना रहे
इस बात की परवाह नहीं है। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। क्या ये जिन धर्म इसका नाम अमर कर जाएंगे। हमारे जीवन से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे जिन धर्म की विराधना हो। हमारी हर प्रवृत्ति हर श्वास इसी के लिए वहे। युगल जी बाबू जी बोलते थे एक एक श्वास इसके लिए हो, जिन धर्म की प्रभावना के लिए हो, जिन धर्म के सम्मान के लिए हो। ये कह रहे हैं यहाँ तुम धारण करो। अरे तुमने जिन धर्म को धारण किया अपने हृदय में तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जीवन ऐसा बन जाएगा जिसके माध्यम से स्वयमेव जगत में धर्म प्रभावना होगी। धर्म प्रभावना के लिए कुछ नहीं करना। अरे साहब हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो हो नहीं सकता है, हम कोई प्रवचन थोड़ी ना कर सकते हैं, हम कोई समझा नहीं सकते किसी को, हमारे में वो समझाने की शैली नहीं है, ना हम विधान करा सकते हैं, ना हम अनुष्ठान करा सकते हैं, ना हमारे में इतनी सामर्थ्य है, हम कोई किताबें नहीं लिख सकते हैं, हम कोई हमसे नहीं हो सकता। कि सुनो भाई जिन धर्म को धारण तो कर सकते हो, ये तो कर सकते, जिन धर्म को धारण तो कर सकता हूं मैं। तो यहां वादीप सिंह आचार्य देव क्या कह रहे हैं, यदि तुमने जिन धर्म को धारण किया तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा जिससे देख करके जगत के जीव अपने आप प्रभावना करेंगे, अपने आप प्रभावना होगी, सच्ची प्रभावना होगी। जीवन बदलो अपना, यह होता है महापुरुषों के जीवन से, गुरुदेव के जीवन से। सही बात है, इसी तरह के देखिए आप। अभी एक इंटरव्यू डाला मैंने 5-7 दिन 4-5 दिन पहले गुरुदेव श्री के बारे में एक इंटरव्यू, और वो 7,500 लोग तो कल तक देख चुके थे। 5-7 दिन पुरानी बात है। हाँ वो इंटरव्यू बहुत सुंदर है दीपेश जी, पूरा इंटरव्यू सुनने योग्य है। जितनी भ्रांतियां हैं मैंने सारे प्रश्न पूछे मैंने उनसे, बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न जगत के जीवों में जिस जिस तरह की भ्रांतियां गुरुदेव श्री को लेकर के दिखाई देती हैं वे सारे प्रश्न किए, और वो उनके जीवन से जुड़ी हुई सब घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया, सब बतलाया। एक घंटे का है 1 घंटे 5 मिनट का। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, धर्म प्रभावना होती है आपके जीवन से। प्रभावना कब होगी, जब कोई व्यक्ति देख करके गए अरे यार ऐसे होते धर्मात्मा, ऐसे होते धर्मात्मा। बोलो रात को खाना नहीं रखा इन्होंने शादी में, ऐसे होते हैं धर्मात्मा। क्या क्यों नहीं, रात को थोड़ी ना रखेंगे तो आप क्या सोच रहे हो, ऐसी थोड़ी ना प्रशंसा कर रहा हूं। दिन का खाना होगा, शादी दिन में होगी, दिन में शादी होगी, दिन में फेरे होंगे, ऐसा होता है। कोई अभक्ष्य नहीं होगा, आलू प्याज नहीं होगा, जमीकंद नहीं होगा। अरे ऐसा थोड़ी नहीं, हम लड़की नहीं देंगे तो अरे नहीं नहीं ऐसा क्या कर, हम तैयार हैं तैयार हैं। ऐसा होता है। मैं ऐसी बात कोई आपको आपके लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, हमने किया ना ऐसा अपनी शादी में 18 साल पहले 17 साल पहले। बोलो हमारी शादी में हमने न तो हमने क्या बोलते हैं फूलों का प्रयोग किया, न हमने जमीकंद का प्रयोग किया, न हमने अभक्ष्य का प्रयोग किया, न हमने रात्रि में किसी तरह का कुछ प्रयोग, सब बिल्कुल नहीं चलाई। हाँ नहीं चलाई, हमने भी बच्चों की दोनों की शादियां ऐसा ही कुछ नहीं किया। बोलो तो ये तो भैया यहाँ की तो परंपरा यही है, यहाँ आने वालों की तो यही परंपरा है। तो देखो अभी देखो अभी आपने ऐसा किया तो देखो आप आने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, देखने वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे ऐसे होते हैं जैन, ऐसी होती है जैनियों की शादी, ऐसा होता है जैनियों के यहाँ आयोजन। अब आपने कुछ नहीं किया, अब आपने शादी की और कह रहे जैन धर्म की प्रभावना हो रही, अरे शादी करके भी जैन धर्म की प्रभावना। हाँ हाँ अच्छी प्रभावना, हमारी हर प्रवृत्ति से, हर प्रवृत्ति से, हर एक्शन से, हमारे हर स्टेप से ये झलकना चाहिए, ऐसे होते हैं जैन, ऐसा होता है जैनियों का जीवन। तो ये यहाँ सिखा रहे हैं ये जैन धर्म को धारण करो। देखिए विशेषार्थ क्या कह रहे हैं, इस क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कुल 11 अध्याय 11 लंबे हैं, जिनमें 747 श्लोक हैं, 747 श्लोक हैं। इसमें मात्र एक श्लोक शार्दूल विक्रीड़ित छंद में, ये जो अभी अपन ने पढ़ा 11वें लंब का छंद क्रमांक 105 लिखा है, शेष 746 श्लोक अनुष्टुप श्लोक में रचे गए हैं। जैन धर्म
शब्द का उपयोग पूरे ग्रंथ में मात्र 11वें लंब के 80वें श्लोक में 12 भावनाओं के अनुचिंतन में और इस श्लोक में किया गया है। जैन धर्म शब्द का प्रयोग, इसका मतलब ये है कि यदि ये ग्रंथ कोई अन्य मत का व्यक्ति भी पढ़े जो जैन नहीं है तो भी उसे ऐसा लगेगा नहीं कि ये कोई जैनियों की बात कह रहे हैं। नीति वाक्य ज्यादा है, पहले बतलाया था कितने श्लोक इसके अंदर नीति के हैं, स्टार्टिंग में जब प्रस्तावना वगैरह जब हमने पढ़ी थी तब। चलिए अंतिम श्लोक पढ़ करके हम इस ग्रंथ को संपन्न करें। ग्रंथ के नामकरण का कारण है, इसका नाम क्षत्र चूड़ामणि क्यों रखा गया, इसका नाम क्या है। अंतिम श्लोक है, राजताम राज राजोयम राज राजो महोदय तेजसा वैसा शूर क्षत्र चूड़ामणि गुण है। क्या कह रहे, राजा के गुणों से क्षत्रियों के शिरो भूषण, राजा के गुणों से क्षत्रियों के शिरोभूषण तेज और युवावस्था से शूरवीर महान ऐश्वर्य से कुबेर के समान राजाओं के राजा जीवंधर महाराज निरंतर शोभायमान होवे। ओ, ये क्षत्रियों के चूड़ामणि थे, ये क्षत्रियों के शिरोभूत थे। चूड़ामणि जानते हैं आप क्या होता है, चूड़ामणि क्या होता है, चूड़ामणि नहीं होता है सर पे लगाते हैं बीच में, लेडीज पहनती है ऐसा, अच्छा जूड़े पे होती है, सर पे होती है, कलंगी टाइप इस तरह का जो कुछ भी होता है, सर में लगता है ना कुल मिला के, इतना तो है सर पे धारण किया जाता है, कलंगी भी होती है इस तरह की, अब जो कुछ भी होता हो ऐसा, लेकिन समझ गए सब मैं क्या कहना चाहूँ। हाँ, जिससे सर शोभायमान, सर के ऊपर शिखर पर धारण किया जाए मस्तक पर, तो क्षत्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ मस्तक पर धारण करने योग्य जिनका जीवन था ऐसे जीवनधर स्वामी युवावस्था में, देखो अभी बूढ़े नहीं हो गए जब दीक्षा लिए, जब इन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, जब मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ऐसी उम्र नहीं थी इनकी जो सफेद बाल वाले हुए, ऐसी उम्र नहीं थी इनकी जो थोड़े चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हो, हाथ पांव दूजते हो, घुटने जवाब दे रहे हो, नीचे बैठा नहीं जाता हो, और अब क्या करें भाई, अब तो जीवन समापन की ओर है, अब तो चलो दीक्षा ले लो और फिर केवल ज्ञान ले लिया हो, ऐसा नहीं, माने युवावस्था में करने योग्य है ये काम। सत्येंद्र राम का पुत्र था ना, अभी तो जन्म ही हुआ था और क्या, जन्म हो गया उसका राज्याभिषेक कर दिया, कितने 8-10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में मान लो, तो भी 40 साल की उम्र हो गई, ज्यादा से ज्यादा 35-40 साल, तो 40 साल 45 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली भैया, हैं 8 शादी कर ली, अब वही देखते रहोगे छोड़ के चले गए वो नहीं, अब इसको उल्टा लगाओ, उनके 8-8 होते हुए भी छोड़ के चले गए, हमसे एक नहीं छूट रही है, 8-8 तो दिख रही है, ये नहीं दिख रही है, ये सब छोड़ करके चले गए, राजपाट छोड़ करके चले गए, इतना वैभव छोड़ करके चले गए, राजगद्दी को त्याग दिया, और हमसे दुकान की गद्दी नहीं छूट रही है, बोलो ये कुर्सी नहीं छूट रही है हमारे से, वो राजपाट छोड़ करके चले गए। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं, जीवंधर स्वामी क्षत्रियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महापुरुष राजाओं के राजा महाराज, ये महाराज थे, राजाओं के राजा थे, और एक होते हैं राजाओं के राजा वे महाराज हमारे मुनिराज, वे उनसे भी श्रेष्ठ हुआ करते हैं। देखो आखिर इन्होंने ये राज्य क्यों छोड़ा, इतने बड़े महाराज थे तो फिर क्यों छोड़ा, कि इससे बढ़कर कोई राज्य इनको मिल गया तभी छोड़ता है व्यक्ति। छोटे बच्चे हो, इस खिलौने से खेल रहे थे, अब उनको ये छुड़वाना है तो नया दे दो छोड़ दे, अच्छी चीज मिल जाती है तो छोटी पुरानी चीज को व्यक्ति छोड़ देता है, यही प्रक्रिया है, यही विधि है, किसी भी चीज को छुड़ाने की विधि क्या है, यही विधि है, अच्छी चीज दे दो तो बुरी बुरी पुरानी चीज को वो छोड़ देगा। बंदर है आपका कुर्ता ले गया, अब क्या करोगे आप, उसको खाने के लिए अच्छी चीज दे दो, केला दे दो उसको, तो क्या करेगा, आपका कुर्ता छोड़ जाएगा, चप्पल छोड़ जाएगा आपकी,
वो चप्पल काहे को रखेगा वो कौन सा पहन करके जाना है? अच्छा अच्छी चीज मिल गई उसको। अरे जीवंदर स्वामी को क्या मिल गया? वो मिल गया जिसकी इन्हें तलाश थी बरसों से, अनादि काल से जिसके लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी मुनि अवस्था, ऐसी साध्य अवस्था, ऐसी सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति के लिए इन्होंने इस राजपाट को छोड़ दिया। देखिए सरल अर्थ में इसी बात को कहते हैं, जो पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों से प्राप्त विशाल ऐश्वर्य के धनी एवं गृहस्थ जीवन में कुबेर के समान अतिशय धनवान थे। क्या कैसे थे? पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों से प्राप्त, पुण्य के उदय से प्राप्त था वो, उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं चलता है, हमारी चलती नहीं है। पूर्व पुण्य, पूर्वबद्ध पुण्य कर्म से प्राप्त विशाल ऐश्वर्य उसके धनी और गृहस्थ जीवन में कुबेर के समान अतिशय धनवान थे। ऐसा था भैया, हम समझ रहे हैं हम ही कुबेर हैं क्या ये कह रहे हैं भाई, भाई कुबेर के समान थे धनवान। और देखो दो बातें हो गई, एक तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में कह दिया इंद्र के समान हो गए, ऐश्वर्यवान कहते हैं इंद्र को। और फिर गृहस्थ जीवन में धन कैसा था? कुबेर के समान। और शरीर की स्वाभाविक कांति कैसी थी? कांति के कारण अत्यंत शोभायमान, और युवा अवस्था में अतुल शक्ति के कारण शूरवीर थे, युद्ध कला में अत्यंत कुशल थे तथा आपत्तियों पर विजय पाने में सहज धैर्यशाली थे। ओ कितने गुण थे इनमें, शूरवीर थे, धैर्यशाली थे, शोभायमान होते थे, स्वाभाविक कांति के धनी थे, अतिशय धनवान थे और पुण्योदय से प्राप्त ऐश्वर्य के धनी थे, गृहस्थ जीवन में कुबेर, ऐसे ऐसे सामर्थ्यशाली, धैर्य। आप देखिए आपत्तियों पर विजय प्राप्त करने में कैसे धैर्यवान थे, इनके ऊपर कितने कितने संकट आ गए, कहाँ कहाँ पहुँच गए, कितनी जगह पर युद्ध करने की परिस्थितियाँ बन गई, वो गायें चुरा करके ले गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ उसने बंदी बना लिया, ये सब घटनाएं पड़ी है अपन ने, धैर्य नहीं खोया इन्होंने अपना। यहाँ तो एक व्यक्ति थोड़ा सा इतना सा कह दिया ना, आज यार प्रवचन में मजा नहीं आया, तो चेहरा इतना सा हो जाता है छोटा सा। बोलो क्या भैया, क्या बात है आज, आज थोड़े से उदास दिख रहे हो। नहीं नहीं ऐसा सा तो कुछ नहीं है, लो आज आपकी हंसी को क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा कोई व्यक्ति कुछ कह देवे, एक वाक्य इतना सा निकल जाए, जैन साहब ये क्या टी शर्ट पहन करके आए हो आप यार, ये अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, ये कलर तो बिल्कुल नहीं सूट हो रहा है आपके ऊपर। अब देखो ये जो शान से शौक से पहन करके आए थे ना, सब फानी मिल गया। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा धैर्य, धैर्य क्या हो गया, माने ये कह रहे हैं कैसा धैर्य था उनके जीवन में, बड़े से बड़े संकट भी यदि माथे पर आ जावे तो विचलित नहीं होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, धैर्यशाली थे, जो क्षत्रियों में प्रमुख, मुकुट में मणि के समान श्रेष्ठ थे। ये चूड़ामणि देखो, मुकुट में मणि के समान का है, चूड़ामणि शब्द की व्याख्या है सरलार्थ में, क्षत्रियों में प्रमुख, मुकुट में मणि के समान श्रेष्ठ थे ऐसे राजा जीवंधर कुमार पूर्वोक्त रीति से आत्म साधना के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त हुए। आत्म साधना की उन्होंने, और उस साधना के बल पर उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया। कौन से राज्य को प्राप्त कर लिया? एक राज्य को छोड़ा और दूसरा राज्य मिल गया, मुक्ति रूपी राज्य मिल गया। आठ पत्नियों को छोड़ा और एक और से शादी कर ली, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति के लिए स्त्री की उपमा दी है। अष्ट कर्मों का नाश किया पद्म, ये क्या नाम है, पद्म प्रभु मल्धारी देव ने नियम सार में, नियम सार ग्रंथ की टीका में 20 जगह पर मुक्ति कन्या, मुक्ति स्त्री, मुक्ति रमणी, मुक्ति वधु, मुक्ति वधु से विवाह करने के लिए हैं, ये मुक्ति स्त्री से विवाह कर लिया उन्होंने, आठ छोड़ दी, तो अब क्या हो गया, मुक्ति स्त्री मिल गई ना, अब और की जरूरत नहीं, ये राज्य छोड़ दिया तो अब वो राज्य मिल गया उनको, स्वराज्य, स्वराज, स्वराज क्या है, अपना राज्य मिल गया, पर राज्य को छोड़ दिया, सिद्ध पद को
प्राप्त हुए। चलिए विशेषार्थ पढ़ करके संपन्न करेंगे अपन अपनी इस बात को। क्षत्र चूड़ामणि शब्द का प्रयोग ग्रंथ के अंतिम श्लोक में ही ग्रंथकार आचार्य श्री वादीब सिंह ने किया है। आचार्य श्री वादीब सिंह, देखो इब शब्द का अर्थ याद रखना क्योंकि आप बार बार में प्रयोग नहीं होगा। इब माने हाथी, और कहीं पढ़ा है दीपेश जी आपने? आपने कहीं नहीं पढ़ा, बोलो। भिन्नेभ कुंभ गण दुज्वल श्रोणी तात भिन्नेभ भिन्न एव इव भिन्न इव क्या भिन्नेभ क्या क्या कर दिया है कि ये जो हाथी है ना, हाथी इव माने हाथी, भिन्न माने विदीर्ण कर देना, जिनके मस्तक को जिस हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर देने से क्या हो गया है, क्या कहा उसमें? फिर उन्होंने कहा कि ऐसा सिंह जिसके मस्तक को विदीर्ण कर देने से मस्तक के सारे मोती खून से लथपथ जमीन पर बिखर गए हैं, ऐसा कर देने वाला सिंह भी ऐसा ऐसा भक्तामर में प्रयोग किया। तो इव माने होता है हाथी, वादी इव वादी रूपी हाथियों के लिए शेर के समान ऐसे वादी सिंह ने क्या किया है। अंतिम श्लोक में क्षत्र चूड़ामणि शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है, अर्थ क्या है इसका, कि जीवंधर कुमार मुकुट में मणि के समान क्षत्रियों में प्रमुख है। इस कारण ही इस ग्रंथ का नामकरण क्षत्र चूड़ामणि के नाम से सार्थक सिद्ध हुआ। ऐसी कोई भी बात नहीं कह देते भाई साहब, सार्थक सिद्ध करते हैं उस बात को। अतः क्षत्रियों में शिरोमणि जीवंधर कुमार के इस चरित्र ग्रंथ का नाम क्षत्र चूड़ामणि, यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ कर सत्य सिद्ध हुआ है। देखिए प्रथमानुयुग का ग्रंथ है, प्रथमानुयुग के जितने भी ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे उन समस्त ग्रंथों को में अंत में पहुंचकर सिद्ध अवस्था तक ले आते हैं। कितना राज्य कर रहे हो, संपत्ति मिल रही हो, मजे कर रहे हो, अरे क्या मजे हैं इनके, शादियों पे शादियां किए जा रहे हैं, अभी अभी दिखा रहे हैं आपको, अभी उत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर क्या करेंगे, सब छोड़ देंगे। ये प्रथमानुयुग की शैली है इसी प्रकार की, कि जो राजपाट, जो भोग, जो विलासिता जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, ये सारा वर्णन आपको भोगों में लगाने के लिए नहीं, भोगों से छुड़ाने के लिए किया जा रहा है। ये सारा वर्णन करने का प्रयोजन क्या है? और ये साहब चक्रवर्ती का वैभव दिखाएंगे आपको, तो क्यों दिखा रहे हो साहब इतना वैभव, ये सारा वैभव क्यों दिखाया है? छोड़ दिया अंत में जाकर, इतना इतना वर्णन, ये वर्णन न करें तो उनके त्याग की भी महिमा नहीं आती। ये जगत के जीवों का ऐसा स्वरूप है। रामचंद्र जी की महिमा गानी हो तो पहले रावण के गीत गाए गए, सच में पद्म पुराण उठा करके देखो आप, कई 100-150-200 पेज तक तो राम का नाम ही नहीं है। क्या भैया राम का नाम ही नहीं है? मैंने देख करके ऐसा लगे कि महाराज आप ये पद्म राम का पर्याय बची है, पद्म जो है ये राम का नाम ही है, राम का नाम है पद्म, तो पद्म पुराण लिख रहे हो कि रावण पुराण लिख रहे हो? ये समझ में नहीं आ रही है, आप ये कौन सा पुराण लिख रहे हो? रावण रावण के गीत गाए जा रहे हो, रामचंद्र जी की बात नहीं कह रहे हो कि सुनो भाई ऐसे बलशाली रावण जिसकी इतनी महिमा गाई गई उसे भी चुटकियों में जिन्होंने जीत लिया वे कैसे होंगे? और आगे 500 पेज में 200 पेज में क्या है? समझ में आ रही है बात सारे? अरे तो महामोहातंक प्रशमन परो, ऐसे 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 श्लोकों के प्रयोग किए आचार्यों ने। मोह के लिए आतंक ऐसा त्रिभुवन जयी काम सुबह, तीनों लोगों को जिसमें वश में कर रखा हो, फिर कहा उसे भी कुमार अवस्थायाम अपनी निज बलात् देन विजित, कुमार अवस्था में अपने बल से जीत लिया, ऐसे ही ये कह रहे हैं। सारे प्रथमानुयोग की ये शैली है, और इसी शैली को जो हमारे साहित्यकारों की शैली रही है इसी शैली को अपनाया है सारे कथाकारों ने, कहानी लेखकों ने, स्टोरी लिखने वालों ने,
ये जो पिक्चरों की स्टोरी लिखते हैं ना, इन सब में ऐसा ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि पिक्चर का समापन ऐसी जगह पर कर ले कि जहां विलेन जीत जाए और हीरो हार जाए। अंत यही होगा। पिक्चर चल रही है तो अंत हमें पता है कि इसका एंड क्या होना है। जिसके चक्कर में लड़ रहे थे क्या दादा, तो कहते हैं दो दो तीन तरह के दो परिस्थितियां बनती है। क्या परिस्थितियां बनती है? लड़की एक और लड़के दो क्या, और लड़का एक और लड़कियां दो। एक को मरना है। ये हिंदी फिल्मों की है। अपने हिंदुस्तान की फिल्मों की सारी कहानी सिमट करके आ गई। और अंत में क्या होगा कि एक के साथ में शादी हो जाएगी और बस खत्म, द एंड लिखा हुआ जाएगा सामने। ये होगा। अब बीच में उसमें जो टांग अड़ाने वाले जितने भी लोग थे वे जेल चले जाएंगे, उनको फांसी हो जाएगी, उनको सजा हो जाएगी, वे मर जाएंगे, ये खत्म, ये समापन हो गया। इसी तरह से जितने अभी अपने ग्रंथों के ऊपर आ जाओ यहाँ, कि जितने कर्म थे जिनके उदय जन्य उतार चढ़ाव जगत में दिखाए गए, बोले ये सारे जो विलेन बन करके फिरते थे, सारे कर्म, सारे विलेन मर गए और जो हीरो थे उसे राज्य की प्राप्ति हो गई। और चलो अब क्या, बोले अब कहानी क्या, बोले अब तो मिल गया राज्य, अब क्या कहानी, अब खत्म हो गया, द एंड। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ यथा नाम तथा गुण करके ये सत्य सिद्ध करते हुए इस कहानी को पूर्ण किया। इस प्रकार यहाँ आचार्य श्री वादीप सिंह रचित क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ अन्वयार्थ, सरलार्थ और विशेषार्थ के साथ पूर्ण हुआ। इति श्री वादीव सिंह सूरी विरचिते क्षत्र चूड़ामण एकादश लंबो लंब समाप्तम। 556 में नीति श्लोक है।